एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग HCF और LCM सीखेंगे। HCF और LCM जो कि हमारे कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमें अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो HCF और LCM को निकालने के मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा। तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो मेथड सिंपल लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हो, अपने कैलकुलेशन को स्मार्ट और अच्छा बना सकते हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीखते हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है और उसके मेथड। ओके, देखिए सबसे पहले HCF का मतलब समझते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में से GCD भी हम लोग बोलते हैं। HCF होता क्या है? HCF सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर को अच्छे से या कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, उसे हम बोलेंगे HCF। जैसे कि एग्जांपल 8 और 12 का HCF 4 है। अब ये 4 वन नंबर है जो क्या करेगा, इस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। आप क्या देखोगे, जो 8 है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तभी ना 2 आता है, 12 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 3 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 8 और 12 का HCF कितना आ गया, 4 हो गया। ये मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। अब हम समझते हैं कि HCF को निकालने के 3 मेथड है। एक आपका है कॉमन फैक्टर मेथड और एक आपका है प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है ना, और एक थर्ड मेथड डिवीजन मेथड। तीनों मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आप कोई भी अच्छे से सीख सकते हो। तो चलिए देखिए, हम लोग फर्स्ट मेथड सीखते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। इस कॉमन फैक्टर मेथड में क्या होगा, जो भी आपका नंबर का HCF निकालना है ना, ठीक है, उसके आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। जैसे देखिए 36 और 48 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 का फैक्टर लिखेंगे। इसका मतलब किस किस टेबल में 36 आता है, कौन कौन नंबर जो 36 को डिवाइड करता है, वो उसका फैक्टर होगा। जैसे देखिए 36 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 के बाद आपका 9 हो सकता है, 9 के बाद आपका जो है वो 12 हो सकता है, 12 के बाद आपका 18 हो सकता है, 18 के बाद आपका 36 हो सकता है। इतने सारे इसके फैक्टर्स है 36 के। ओके, अच्छा नेक्स्ट 48 की बात करते हैं, तो 48 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है ना, उसके बाद आपका 8 हो सकता है, 8 के बाद आपका क्या हो सकता है, 12, 12 के बाद 16 हो सकता है, 16 के बाद आपका 24 हो सकता है, और फिर आपका क्या हो सकता है, 48 हो सकता है। ये सारे जितने भी पॉसिबल फैक्टर था मैंने उसको निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको लेना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, उसका 12 भी है, बस इतने ही है। आपका 18 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है, 24 दोनों में नहीं है, 48 दोनों में नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, आप देखो यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। इसका मतलब यानी 48 और 36 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12। दिस इज योर आंसर। अगर 3 नंबर का HCF निकालना हो तो भी आप इसी तरीके से फॉलो करोगे। उस केस में क्या करोगे, तीनों नंबर में जो कॉमन होगा उसको आप चेक करोगे। 2 है तो 2 में चेक करेंगे, 3 है तो 3 में चेक करेंगे, 4 है तो 4 में चेक करेंगे, ठीक ना। और उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही उस उन गिवन नंबर्स का क्या होगा, HCF होगा। अब जैसे देखिए 12 आया है ना, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच गिवन नंबर कम्प्लीटली। ये जो 12 है ये गिवन नंबर 36 और 48 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब 12 क्या हो गया, इन दोनों नंबर का HCF हो। आप यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते हो, आप उस सबसे बड़े नंबर को निकाल सकते हो जो इस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। यानी एक तरह से बोलते ऐसा कोई टेबल खोजेंगे जिसमें ये दोनों नंबर आपका आ जाता हो, तो 12 का टेबल है। तो आप अपना दिमाग लगा के भी फटाक से कोई भी 2 नंबर का HCF तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड मेथड, जिसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। अब इस प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, आपको क्या करना होगा, जो भी गिवन नंबर का HCF निकालना है आप उनका सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और उसमें जो कॉमन होगा उसको आप लेके चलोगे। तो देखिए जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप क्या देखिएगा, 2 × 2 × 3 आएगा, ठीक है ना। फिर 16 का करते हैं तो आपका 2 × 2 × 2 × 2 आता है। 28 का करते हैं तो आपका 2 × 2 × 7 आता है, ठीक है ना। अब आपको देखना क्या है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सॉरी दोनों में 3 है, 3 नंबर, तीनों में कॉमन। यहाँ पर देखिए आपका 2 तीनों में कॉमन दिख रहा होगा,
दिख रहा है, यहाँ भी टू आपका तीनों में कॉमन अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, थ्री तीनों में कॉमन नहीं है, सेवन तीनों में कॉमन नहीं है। तो अगर मान लीजिए सेवन तीनों में कॉमन होता तो सेवन लेते, अगर थ्री तीनों में कॉमन होता थ्री भी लेते हैं। तो इसमें कॉमन सिर्फ हमको दो ही दिख रहा है, वो भी दो बार दिख रहा है। तो इसका मतलब जितने कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आप ले लीजिए। सो टू मल्टीप्लाई टू यानी कितना हो गया, फोर आ गया। अब फोर एक ऐसा नंबर है जो इन गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। फोर के टेबल में 12, 16, 28 भी आराम से आता है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है इस मेथड में, आपको गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको इस तरह से लिख देना है। फिर तीनों में कॉमन देखना है, दो में कॉमन से काम नहीं चलेगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर चार है तो चारों में कॉमन होना चाहिए, अगर दो है तो दो में कॉमन होना चाहिए। तो आपको तीनों में कॉमन देखना है, जो जो कॉमन मिलते जा रहा है। जैसे टू कॉमन मिला, तीनों में टू ले लिया, एक और टू कॉमन लिया वो भी टू ले लिया, एक और टू मिलता वो भी कॉमन ले लेता, ठीक ना। अगर थ्री तीनों में कॉमन मिलता तो थ्री ले लेता, अगर तीनों में फाइव कॉमन मिलता तो फाइव कॉमन ले लेता। इस तरह से आपको जो जो कॉमन मिलते जा रहा है उन सबको आप ले लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो उन गिवन नंबर्स का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई होप प्राइम फैक्टर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक थर्ड मेथड पे आते हैं जिसका नाम है डिवीजन मेथड। ये भी मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मेथड में क्या करना है, आपको तीन नंबर दिया हुआ है, दो नंबर का निकालना हो चाहे आपका तीन नंबर का निकालना हो, ठीक है ना। ओके, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पहले दो नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग जो आएगा एचसीएफ और जो रिमेनिंग नंबर है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, 18 से 24 को डिवाइड किया, ठीक है ना, यानी 18 24 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। आप क्या देखोगे, वन टाइम्स आएगा, कितना आएगा, सिक्स। सिक्स से 18 जाएगा कितने बार में, थ्री टाइम्स आएगा, ठीक है ना। यानी आपने क्या देखा, एचसीएफ जो आया 18 एंड 24 का वो कितना आया, सिक्स आया। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आया है और आपका ये जो 32, इनका आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, अब क्या करेंगे, हम 6 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आप इसको जो है करोगे 5 टाइम्स, आप क्या देखोगे, 2 आएगा, 2 से 6 जाएगा आपका 3 टाइम्स, कंप्लीट हो जाएगा आपका। लास्ट में जो बचा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, वो आपका 2 है, ये आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में और समझ लीजिए, आपको कोई भी दो नंबर ले सकते हो, मतलब 18-24 का कर सकते हो, 24-32 कर सकते हो, या 18-32, कोई भी दो नंबर आपको लेना है, उन दोनों का डिवीजन करना है। और डिवीजन जाहिर सी बात है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा। हमें अच्छे से पता डिवीजन बड़े नंबर छोटे नंबर में डिवाइड होता है, लेकिन हमको यहाँ पर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। आप डिवाइड करोगे, कभी कभार आपको एक बार में कट जाएगा, अगर मान लीजिए एक बार में कट गया तो ऊपर वाला ही एचसीएफ होगा, यानी जो शुरू का डिवाइजर वही आपका एचसीएफ होगा। मान लीजिए नहीं कटा, रिमाइंडर कुछ बचा, तो जो रिमाइंडर वो डिवाइजर का काम करेगा, और जो शुरू में डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड का काम करेगा। और आपको पता है डिविडेंड किसे बोलते हैं, ये बीच वाले नंबर को डिविडेंड, इधर वाले को डिवाइजर, जो बच गया उसको रिमाइंडर, और जो यहाँ पे होता है उसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं, ठीक ना। ये कंटिन्यू आपको करते रहना है जब तक ये आपका नीचे कट नहीं जाए, ठीक है ना। ओके, तो फिर दो नंबर का जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ, और जो रिमेनिंग नंबर है उसका आप अगेन एचसीएफ निकाल दीजिए सेम तरीके से, ठीक ना। और आपको तब तक करना है जब तक ये पूरी तरह से कट नहीं जाए। जैसे ही आपका फाइनली कट जाएगा तो जो आखिरी वाला डिवाइजर बचेगा वो उसका एचसीएफ होगा, ठीक ना। सो इस तरीके से हमने एचसीएफ सीख लिया, उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक ना, और तीनों मेथड सीख लिया। यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए हम लोग एलसीएम सीखते हैं, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ हमें अच्छे समझ में आ गया, अब एलसीएम की बात करते हैं। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको कभी कभार स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो एलसीएम होता क्या है, पहले ये मतलब समझ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच गिवन नंबर कम्प्लीटली, उसे हम बोलेंगे एलसीएम। मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो उसे हम बोलेंगे एलसीएम। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, 8 तो 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, राइट। अब ये जो 24 ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना, जो कि गिवन नंबर 8 और 12 दोनों से अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। अब हम इसके थ्री मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड जो है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे, जिस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, राइट, ठीक है ना, तो उसके हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 12 का मल्टीपल लिखेंगे, 15 का मल्टीपल लिखेंगे, और फिर 20 का मल्टीपल लिखेंगे। तीनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो,
हमने क्या किया, 12 का मल्टीपल लिखा, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 15 का मल्टीपल लिखा, 15, 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन। 20 का मल्टीपल हमने लिखा, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मल्टीपल हम कहाँ तक लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपको एक्चुअली खोजना होता है इसमें। आप कोई भी एक नंबर का पहले मल्टीपल लिखते जाइए, ठीक ना, और उसके बाद 5-6 लिखिए, उसके बाद नीचे का शुरू कीजिए, ठीक ना। आप देखोगे कोई ना कोई एक नंबर कॉमन आ जाएगा, कभी कभार आपको 4-5 में मिल जाएगा, कभी कभार आपको 10-12 तक भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको तीनों मेथड समझा रहा हूँ, जिसमें आपको जो मेथड सिंपल लगे आप उसको कर सकते हो। जहाँ पर आपका दो नंबर का एलसीएम निकालना हो वहाँ पर ये मेथड बहुत ही आसान होता है, ठीक ना। ओके, बड़े बड़े नंबर के लिए आप ये मेथड भी लगा सकते हो, ये मेथड भी आप लगा सकते हो। तो इसको हम और अच्छे समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, तीनों का मल्टीपल लिख दिया। अब इसमें आपको कॉमन मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, 60 दिख रहा है, तीनों में कॉमन 60 दिख रहा है ना, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप इस तरीके से कर दोगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सेकेंड मेथड, जिसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे, तीनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद जो मैक्सिमम पावर वाला प्राइम फैक्टर्स होगा उसको हम लोग उसका एलसीएम बना देंगे, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखिए, हमें 18, 24, 36 का एलसीएम निकालना है। हमने क्या किया, सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3, मतलब 2 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 2 है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, 24 का लिखा, 24 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1, ठीक है ना। और 36 का जब मैंने लिखा तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या देखोगे आप, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स देखिए 2, 3 और 3 है, 2, 3 के अलावा 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, आपको जहाँ तक हो रहा है उसको आप लिखना है। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम देखेंगे जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके मैक्सिमम पावर को लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, तो आपको 2 पे पावर मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो आप मैक्सिमम वालों को ले लोगे, ले लिया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, मैक्सिमम 3 पे पावर 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 पे पावर 2 ले लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 पे पावर 1 होता तो 5 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। आपको सबको लेना है, जितने प्राइम फैक्टर सबको लेना है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ देना है, नहीं सबको लेना है, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम पावर को लेना है, मान लीजिए एक 5 पे पावर 2 होता और एक 5 पे पावर 1 होता, तो आप 5 पे पावर 2 को लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ऊपर में 5 आता, नीचे में 5 आता और सबसे नीचे में 5 नहीं आता, तो उस केस में क्या कर, उस केस में हमको फैक्टर्स तो लेना ही लेना है, आपको सभी प्राइम फैक्टर्स लेना है, और कैसा लेना है, जिसमें मैक्सिमम पावर हो। मान लीजिए मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 ही लेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, राइट, ठीक ना। सो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 होता है 8 और 3 पे पावर 2 होता है 9, तो 8, 9 जा कितना हो गया, 72 हो गया। आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो, आप इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है 36, उसका मल्टीपल कीजिए, 36 टू जा 72 होता है, 72 18 में भी आता है, 24 में भी आता है और 36 में भी आता है, इसका मतलब इन तीनों नंबर का एलसीएम 72 होगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो माइंड में, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम लोग थर्ड मेथड की बात करते हैं, जो कि आपका है डिवीजन मेथड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको हम लोग एक बार में सीख लेंगे। जैसे देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपका जिस नंबर का एलसीएम निकालना है आप उन नंबर को सबसे पहले लिख लीजिए, 16, 20, 24 को कॉमा से सेपरेट करके लिख दीजिए और एक इस तरह से लाइन खींच लीजिए। अब आपको कोई भी एक सूटेबल नंबर से आप कर सकते हो, ठीक ना, और आपको तब तक करना है जब तक कि आपका लास्ट में से प्राइम फैक्टर्स नहीं बचता है, ठीक ना। जैसे देखिए आप इसको चाहो तो 4 से 2 से 3 से, जो आपको सूटेबल लगता कर सकते हो, मैं 2 से कर रहा हूँ, छोटे नंबर से शुरू करना ज़्यादा सही रहता है, तो मैंने 2 से शुरू किया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर आपका 12 आया, फिर मैंने 2 से किया तो ये 4 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर आपका 6 आया। अब अगेन मैंने देखो कम से कम 2 नंबर जो है कटना चाहिए, अच्छा मान लीजिए 2 ही रहता तो आप 2 का ही लेके चलते, 3 रहे तो भी कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए,
चार है तो भी कम से कम दो कटना चाहिए, अगर सब कट रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका दो से सिर्फ फोर सिक्स कट रहा है तो फाइव को एक्चुअली छोड़ देंगे, तो यानी हमने क्या किया, टू से काटा तो फोर टू टाइम्स जाएगा, फाइव के फाइव रह जाएगा और सिक्स जो है आपका थ्री टाइम्स जाएगा। अब आगे पॉसिबल नहीं है ना, टू फाइव थ्री सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक ना, ओके, प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालना है तो सबका प्रोडक्ट लिख दीजिए, यानी ये पूरा टू इंटू टू इंटू टू ये पूरा लिख दिया मैंने, और नीचे का भी पूरा लिख दीजिए, टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री, आप मल्टीप्लाई कीजिए, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन, फाइव जा एट्टी, एटी इंटू थ्री टू फोर्टी आ जाएगा, आंसर कितना आ गया, टू फोर्टी, ठीक ना, ओके। तो ये आपको एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में एचसीएफ और एलसीएम निकालना अच्छे से सीख लिया, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिया, एचसीएफ का मीनिंग समझा दिया, एलसीएम का मीनिंग समझा दिया। ओके, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहीं कहीं जो है वो बिगेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछ देता है अलग अलग नाम से, तो आपका सबका मीनिंग एक ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर हो या बिगेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, है ना, सबका मीनिंग एक है, मतलब कि एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।